थैंक यू। जो कुछ भी किया मैंने वो सिर्फ सही के लिए किया। उसी के लिए थैंक यू बोल रहा हूँ। आप सही की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं, दैट्स रियली वेरी स्वीट। लेकिन हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने होंगे। सही अपने उम्र से कई ज़्यादा समझदार है, खास करके अपने रिश्तों के मामले में। हमारे बीच क्या चल रहा है बहुत आसानी से समझ आती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब वो हमारे आसपास हो तो हमें अच्छे से पेश आना चाहिए। मतलब कभी कभी हम जैसे नॉर्मल कपल रहता है वैसे रह सकते हैं। नॉर्मल कपल मतलब? हमें झगड़े कम करने होंगे, एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग करनी तो आती है ना। सही हमें लड़ते देख कर ना बहुत परेशान होती है, और हम जब भी साथ होते हैं लड़ाई के अलावा और कुछ करते हैं। आपने सोचा है कि उसके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा? वो मुझसे पूछती है कि कहीं मैं उसे छोड़कर तो नहीं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि हमारी लड़ाई का असर उस बच्ची पर पड़े। हमारे बीच जो भी हो, लेकिन हमें सही को एक नॉर्मल फैमिली देनी होगी। आम लोगों की तरह हम भी चलेंगे हमारी बच्ची को मूवी दिखाने के लिए, और उसे डिनर पे ले चलेंगे, उसे खुश रखेंगे, उसे एंजॉय करवाएंगे। सही भी तो खुश होना डिजर्व करती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड की। इस बार हमें काफी धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एपिसोड में सभी कैरेक्टर्स के बीच छुपी हुई गलतियां सामने आती हैं। आपने सुना होगा कि सच कभी भी छुप नहीं सकता, और ये यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। जिगर जो कि हमेशा से सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार सब कुछ बता देता है। जब जिगर सच को सबके सामने रखता है तो रजत को समझ आ जाता है कि उसकी गलतियां उसकी दोस्तों को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। इस वजह से रजत सबसे माफी मांगने लगता है। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां दोस्ती और समाज के मायने खुद को प्रकट करते हैं। परिश्रमा को भी अब समझ आता है कि रजत के घर वाले उन पर विश्वास नहीं कर रहे। ये एक ऐसी मुश्किल घड़ी है जहाँ ईशा, जो कि हमेशा सच के लिए लड़ती है, कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ सच के लिए आई हूँ। अगर सही अपनी माँ को बिना देखे उठती है तो उसे कैसा लगेगा? ये लाइन सच में दिल को छू लेने वाली है। ईशा और शांतनु का ये सोचना कि उन्हें घर वापस जाना चाहिए दोस्तों के बीच की समस्याओं को और गहन कर देता है। इस बात का उन्हें एहसास होता है कि कभी कभी अपने घर वापस जाना कितना जरूरी होता है। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब नवरात्रि का वक्त है और इस पर्व पर हमें देखने को मिलेगा एक धमाकेदार ट्विस्ट। एक प्रोग्राम होगा जहां हर्ष और अतीक यान के साथ मिलकर रंग बिरंगे त्योहार मनाते हुए नजर आएंगे। ये फेस्टिवल उन सब के लिए एक नए आशाएं लेकर आता है। रजत भी सही और दूसरे दोस्तों के साथ इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनता है, लेकिन कियान के साथ कुछ खास घटनाएं होने वाली हैं। क्या कियान सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है? ये सब देखने के लिए आप सभी को तैयार होना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज कुछ खास बातें गुम है किसी के प्यार की सीरीज से जुड़ी हुई। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और देखते रहिए गुम है किसी के प्यार का लेटेस्ट एपिसोड।